ईद स्पेशल शीर कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ड्राई फ्रूट्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या हमें लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए 10 से 12 बादाम, जिसको मैंने क्या किया था, 3 से 4 घंटा पहले हल्के गर्म पानी में भिगा दिया था और फिर इसको छील के काट दिया है। इसी तरह से मैंने पिस्ता को भी कर लिया है, भिगा के निकाल के फिर मैंने उसको काट लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लिए थे कुछ छुआरे, छुआरे को भी मैंने क्या किया था, पूरी रात के लिए भिगा दिया था क्योंकि काफ़ी सख्त होते हैं, और फिर मैंने उसको ऐसे काट लिया है। आप चाहें तो इसके बदले फ्रेश खजूर जो डेट्स मिलते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए 10 से 12 काजू, 2 टेबलस्पून मैंने लिए चारोली और 2 टेबलस्पून मैंने लिए किशमिश। इन तीनों चीज़ों को मैंने नहीं भिगाया क्योंकि ऐसे ही अच्छे से पक जाते हैं। चारोली कुछ लोगों को भिगाना पसंद है, अगर आप चाहें तो चारोली को भी थोड़ा भिगा दीजिए, बट इन दैट केस उसका भी छिलका निकाल के यूज़ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं ये तीनों चीज़ें ऐसे डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप मखाना, कोकोनट, वो सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट, एक पैन में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर दूध। कोशिश करके फुल फैट दूध ही यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो आपकी खीर है ना एकदम बढ़िया क्रीमी क्रीमी सी और गाढ़ी बने। पर मान लीजिए अगर आप लो फैट दूध भी लेते हैं तो चलेगा, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा उसको पकाना पड़ेगा। तो इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा इसको हम पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे और 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसको बीच बीच में चलाना है ताकि नीचे से जले ना। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको मोटे तले का बर्तन यूज़ करना है ताकि दूध नीचे से बिल्कुल भी ना चिपके, क्योंकि अगर दूध थोड़ा भी लग गया तो स्मेल आ जाएगी। तो इसको लगातार पकाते जाइए। तो क्योंकि दूध को गाढ़ा होने में थोड़ा सा समय लगता है, करीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको पीछे गैस में रख दूंगी। जब तक हम क्या करेंगे, आगे बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो दूध को मैंने पीछे लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में चलाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। गैस का फ्लेम रखेंगे लो मीडियम, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखते जाइएगा फ्रेंड्स, तो ही आपकी शीर कोरमा परफेक्ट बनेगी। और वीडियो पूरा एंजॉय कीजिएगा, बिल्कुल बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा, ताकि सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सकें। और इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे बादाम और काजू और इनको रोस्ट करेंगे सबसे पहले 1 मिनट के लिए। ये वाले ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले इसलिए डाले हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा समय लगता है कुक होने में। तो इसको बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर देंगे, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, बाकी के ड्राई फ्रूट्स हम बाद में ऐड करेंगे। जैसे कि अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिस्ता, खजूर, चिरौंजी और किशमिश। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स को ना पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इनका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, इसके लिए सारे एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा स्टेप्स में डालेंगे। और इसको भी पकाएंगे बस 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे कि हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छे से खुशबू आने लगे उसमें से और फ्राई हो जाए। तो बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना स्मेल आने लगेगी। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है। इसके साइड में जो भी मलाई होगी ना फ्रेंड्स, उसको स्क्रैच करके डाल दीजिए ताकि और भी क्रीमी बने शीर कोरमा। और अब हम क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था ना, कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिए और कुछ बादाम और काजू मैंने साइड में रख दिए थे पिसने के लिए। मैं आपको आगे बताती हूँ कि उसका क्या करना है। तो ये ड्राई फ्रूट्स के साथ भी पकेंगे अभी दूध में, और इसको फिर से हम पीछे गैस में छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि और गाढ़ा हो जाए। तब तक हम क्या करेंगे, बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, छोटे से ब्लेंडर में मैंने डाले हैं कुछ सोक किए हुए काजू और बादाम, मैंने सिर्फ ये दोनों चीज़ें यूज़ किए। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। नेक्स्ट, उसी पैन में अगर आपका घी बचा है तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा घी और डाल देंगे। और अब हम इसमें रोस्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़, सेवैयाँ। तो यहाँ पे मैंने लिए 1/2 कप सेवैयाँ। ये बारीक वाली सेवैयाँ हैं, ईजिली मिल जाती है मार्केट में। आप चाहें तो आप मोटी वाली सेवैयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एकदम ऐसे क्रश कर लेंगे ताकि एकदम छोटे छोटे पीसेस हो जाए। और इसको अभी हमें रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट के लिए। इसको फ्रेंड्स फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, जल्दी से ये डार्क हो जाएंगे। तो इसको ऐसे भूनते जाइए धीरे धीरे। देखिए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर हल्की सी व्हाइट कोटिंग आने लगी है, क्योंकि अच्छे से फ्राई हो गई है और इनका कलर भी हल्का सा ब्राउन हो गया है।
तो बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको भी ट्रांसफर कर लेंगे दूध में। तो दूध का गैस जो है ना, मैंने एकदम हल्का लो ही रखा था, क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप सेवैयाँ डालेंगे तो वो उफलने लगेगी। और सेवैयाँ के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी पिसे हुए बादाम और काजू का पेस्ट। ये देखिए, इससे क्या होगा ना, आपकी जो खीर है बहुत ही ज़्यादा रिच, क्रीमी और थिक बनेगी। वैसे तो ये करना ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होता है ना, थोड़ी सी गाढ़ी भी बनती है खीर, तो फिर आपको एक्स्ट्रा कंडेंस मिल्क हो गया या खोया हो गया, मावा, मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसको भी मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे 6 से 7 और मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है, सोख हो गई है, जितनी भी सेवैयाँ अच्छे से दूध सोख कर लिया है, थोड़ी सी कम हो गई है। तो इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप शक्कर। मुझे ऐसा लगता है कि इतना मीठा बराबर है, आप अपने हिसाब से शक्कर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए शक्कर नहीं डालना है ना, और पिसे हुए बादाम और काजू भी नहीं डालना है, तो आप इसके बदले कंडेंस मिल्क डाल दीजिए 1/2 कप या 3/4 कप, थोड़ा सा खोया भी डाल सकते हैं, मावा डाल दीजिए शुगर के साथ, या फिर मिल्क पाउडर। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, ये खीर ऐसे ही बहुत अच्छी बनती है। और शुगर डालने के बाद भी हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये शक्कर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि शक्कर जब मेल्ट होगी ना तो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, उसे भी हमें पकाना है। तो शक्कर भी अच्छे से पक गई है, खीर काफ़ी गाढ़ी होने लगी है। इस वक्त हम फ्लेवरिंग के लिए डाल देंगे थोड़ी सी इलायची का पाउडर। कलर और फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ मैं थोड़े से केसर के धागे। आप चाहे तो यहाँ पे रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया और गाढ़ी, एकदम क्रीमी से हमारी शीरकुरमा ऑलमोस्ट रेडी ही हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ वाकई में अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स, मैं हर अलग अलग त्यौहार में कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाने की, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, बस इसको गर्मा गर्म परोस सकते हैं आप चाहें तो ठंडा करके परोस सकते हैं। अगर आप ठंडा करके खाएंगे ना तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो बस इसको मैं परोस रही हूँ ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। सुपर क्रीमी, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। और ऊपर से डाल देंगे थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स और केसर अगर आपकी मर्जी है तो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की आसान सी रेसिपी ईट स्पेशल अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली बढ़िया सी रेसिपी के साथ। आप सबको ईद की ढेर सारी बधाइयाँ। बाय बाय।